रोजगार देने की बातें करते हैं मगर रोजगार देने में एक्सपर्ट नहीं है। कहते हैं मैंने सबका इंतजाम कर दिया जी, हम रोडों पे घूम रहे हैं। सरकार वादे तो करती है, जुमले तो करती है, मगर वो जुमले झूठे होते हैं सर। हम रोडों पे, आप सोच सकते हैं राजधानी का हाल है तो देश का हाल क्या होगा सर। बच्चे भटक रहे हैं, हम भटक रहे हैं, तो कंडक्टर भी तो इंसान है सर। हम लोग के साथ बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल कर रखे हैं। 10 साल में हम लोग परेशान होके एक गरीब की तरह हम लोग जॉब करके अपना बच्चा पाल रहे हैं, उसके बाद नौकरी छीन रहे हैं। ये हमारी सरकार बिल्कुल रोजगार देने में फेल हुई है। हमें सर रोजगार चाहिए, हमें झूठ बोल के नौकरी से हटाया गया है जी। क्या, कब से आप बैठे हैं? सर हम बैठे हुए हैं शनिवार से। सर इन्होंने नोटिस लिखतम में नहीं बक्तम में दिया है सर, बोल के दिया है सर। सर एक्चुअली हुआ क्या है जी, हमारे क्लस्टर के जी 7 डिपो 11 डिपो है, 11 में से 4 बगैर इन्होंने क्या हुआ जी, जैसे आज गाड़ियां निकल गई और शाम को वापस आई, अगले दिन ड्यूटी के लिए आए जो भी कर्मचारी उन्हें डिपो बंद मिली, और उन्होंने सिर्फ मौखिक बोला था, सिर्फ मौखिक के हिसाब से बोला था कि डिपो आपकी बंद हो चुकी है, कोई लेटर नहीं दिया। वो 7-7 महीने से डिपो खाली है, उनमें कोई बसें नहीं आई, दिल्ली में इतनी बसें कम है। उसके बाद भी हमारे मंत्री साहब फ्री देने में तो एक्सपर्ट है मगर बस लाने में नहीं है। रोजगार देने की बातें करते हैं मगर रोजगार देने में एक्सपर्ट नहीं है। कहते हैं मैंने सबका इंतजाम कर दिया जी, हम रोडों पे घूम रहे हैं। रही 7 डिपो की बात सर, हमारे यहाँ पे 19 तारीख का बोला गया है, नोटिस नहीं दिया, नोटिस देने से हम हड़ताल पे चले जाते या बोलते अपनी हक मांगते, तो इन्होंने क्या किया, ड्राइवरों को 19 तारीख का नोटिस दे दिया, हमें नहीं दिया, हमें ये बोल के दे दिया कि आप लोगों को नहीं बस आएगी, उसमें रख लेंगे, एक कुछ ही दिनों में आएगी बस। हमने कहा जब ये 4 डिपो में बसें नहीं आई तो आप हमें कैसे रख लेंगे। हमने कहा एक काम करिए, आप हमें इस चीज का लिख के दे दीजिए, जो भी ये डिपो है बंद होगी, चाहे 10 महीने के लिए हो चाहे 8 महीने के लिए, आप हमें तनख्वाह दे दीजिए, हम अपने घर बैठ जाएंगे, तनख्वाह दे दीजिए, कोई दे तो सकता नहीं। आपको पता है इनकी बातों का झूठ का पर्दा वहीं पे पास हो गया, इन्हें लिख के देने से मना कर दिया सर हमें। सबसे पहला नोटिस जी डिपो का ये करीबन 8 महीने पहले हमें नहीं दिया था, जो डिपो बंद है, और हमारी डिपो को अभी ये 5 तारीख को बताया कि आपकी डिपो 19 तारीख को बंद होगी। हमने बोला कि प्राइवेट किसी भी महकमे में 1 से 2 महीने या 3 महीने लमसम कम से कम इतना है कि नोटिस देना पड़ता है कर्मचारी को भी जी, इसमें कम से कम है सर 3-4 हजार तो कंडक्टर जो है अभी करंट में, और जो हट चुके करीबन ये सर 15-20 हजार आदमियों का मामला है जी। सर आगे हमने अपनी सरकार को बात रखने के लिए बैनर लगाया है, हम यहाँ पे खड़े हैं कि सरकार हमारी सुनेगी, इसी आश्वासन में सर सरकार हम गरीबों हम अपनी गुहार लगा रहे हैं, सुने और हमारी बात को समझे। सरकार वादे तो करती है, जुमले तो करती है, मगर वो जुमले झूठे होते हैं सर। हम रोडों पे, आप सोच सकते हैं राजधानी का हाल है तो देश का हाल क्या होगा सर। जी हम अपनी जो कंपनी है उससे मिले हैं, जो उससे ऊपर की कंपनी है उससे भी मिले, थर्ड पार्टी को, हमारी जो है कंपनी वो थर्ड पार्टी है, उसको नोटिस देती है ऊपर वाली सर, सबने मना कर दिया। हमने अपनी तरफ से ट्वीट कराया गहलोत साहब को, केजरीवाल साहब को कराया, ट्रांसपोर्ट मंत्री को कराया सर, हमने अपनी तरफ से जो जो काम होते हैं कर रहे हैं सर। हमारी हड़ताल जी अभी 4th दिन है सर, पहले हमने हड़ताल करी, सारों को इकट्ठा करा, और हम अपनी बात सभी को रख रहे हैं सर, अब आपके माध्यम से भी रखना चाहते हैं जिससे हमारी बात और आगे जाए जी। ये है दिलसाद गार्डन डिपो सर, हमारे 4 डिपो बंद हो, 5 डिपो बंद है अभी हाल फिलहाल। इनमें सर पहला तो ये दिलसाद गार्डन, इसके बगल में सीमापुरी, फिर पेखन डिपो, बीबीएम डिपो, राजघाट डिपो, 2 डिपो चले हुए हैं सर। हमारे गहलोत साहब बिचाऊ कला डिपो में और कैर डिपो में गए थे, उन्होंने हड़ताल कर दी थी, उन्हें यह आश्वासन देखा है कि जो भी बस आएगी उसमें आप बैठोगे, वही चीज हमने भी मांगी सर, हमें उन्होंने बोला नहीं क्योंकि वो उनके क्षेत्र में आते, मासो सांसद एमपी है जो भी है, मासो पावर में है,
इस वजह से उनके उनका गांव है जहाँ पे और मैं पे वो डिपो, इसलिए वहाँ पे जल्दी चले गए और हमारे यहाँ बोलने पे भी नहीं आ रहे, रिक्वेस्ट पे भी नहीं आ रहे, गुहार पे भी नहीं आ रहे सर। सर जो ये भाई साहब कहना चाह रहे हैं वो रियली बात है और यही बात पे हम लोग अड़े हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम रचना देवी है। यहाँ सर मुझे 10 साल चल रहा है सर। आगे सर तो जो आप देख रहे हैं कि क्या सारे कंडक्टर साहब ने मांग तो यही है कि हमें जॉब मिले, और नहीं मानी गई तो हम लोग आगे चलेंगे ना, फिर आगे देखेंगे। जब तक इनकी इच्छा हो, जब तक ये नहीं आते हैं तब तक हम लोग देखते हैं क्या करना है आखिर। सर ये तो मान लीजिए इतनी गर्मी में, भीषण गर्मी में, और सारे जिन पे बेरोजगार हो रहे हैं, जिनके बीवी बच्चे हैं सर, वो 4 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, एक बार ऊपर वाले कोई सुनते नहीं है, ना कोई आते हैं, ना कोई मिलते हैं, ना कुछ कह रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इसी तरह रोड पे डोल रहे हैं सर। अब आगे देखिए ये लोग क्या हो रहा है, नहीं हो रहा वो तो, नौकरी भी जा रहे हैं हम लोग के, हर चीज़ जा रहे हैं, बच्चे भटक रहे हैं, हम भटक रहे हैं। किसी मंत्री से मिलने गया? सर हम लोग मंत्री से अभी तक मिलने नहीं गए, लेकिन लेटर हम लोग ऊपर तक पहुंचा चुके हैं। अब आगे की बात है कि हम लोग कोर्ट तक पहुंचेंगे, जैसे जो करना होगा करेंगे, लेकिन हम लोग को जो गाड़ी आएगी उसमें हम लोग को नौकरी मिलनी चाहिए, और जब तक गाड़ी नहीं आती है तब तक ये गाड़ी चलनी चाहिए, हम लोग को लागी नौकरी मिलनी चाहिए। नहीं तो अगर 2 महीना 3 महीना नहीं देते हैं तो लिखित में देंगे और उतना दिन के सैलरी हम लोग के बैठा के देंगे। आपको इससे पहले वाली सैलरी मिल गई? सर पहले तो अभी तक सैलरी मिली हुई है, अब अभी तक तो कुछ सैलरी की बात ही नहीं, हम लोग ड्यूटी ही नहीं ले रहे हैं तो अब आगे सैलरी कहाँ से मिलेगी? तो बच्चे क्या खाएंगे? ये ऊपर वाले अपना देख रहे हैं, हम लोग के नहीं देख रहे हैं गरीब के? जब जब 7,000 था तब से हम लोग अपना प्रतिपाल किए, नौकरी किए, आज 2 रुपया बढ़ा है, हम लोग के हटा के दूसरा कंडक्टर लाएंगे, उनसे फिर पैसा लेंगे, उनको भर्ती करेंगे, हम लोग के रोड पे ला देंगे। ये इनकी मोटो है, मेन मोटो इनका यही है कि पुराने कंडक्टर को हटाओ और नए कंडक्टर को लाओ, क्योंकि हमें हटा के दूसरे लाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं और इस तरह से वो अपने अपने प्रमोशन करते रहते हैं, और हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिसकी वजह से हमें हमारी नौकरी दे दो प्लीज़, हमें और कुछ नहीं चाहिए, ताकि हम अपना पालन पोषण बच्चों का कर सकें, और हमारी नौकरी चली जाएगी तो हमारे ओवर एज हो चुके हैं, हम कहाँ जाएंगे? इस टाइम तो हमें कोई वो नौकरी भी नहीं देगा, हमारी वो एज भी ऐसी होगी, 10 साल से हम इसमें कमा रहे खा रहे हैं, गर्मी में धूप में बरसात में हम इनकी सर्विस दे रहे हैं इनको, लेकिन हमारे लिए क्या कर रहे हैं ये, कोई पूछने तक नहीं आ रहा यहाँ पर। सर इनने क्लस्टर की बसों में कोई भी कंडक्टर के पास ना कोई पंखा ना कोई कुछ भी, और गर्मी में हम लोग ड्यूटी करके 8 घंटा आते हैं, और अंदर में हम लोग के ऊपर इतनी गर्मी में, ये नहीं कि चलो ड्राइवर की छोटी सी पंखा लगाए तो कंडक्टर भी तो इंसान है सर, हम लोग के साथ बहुत बुरा हाल कर रखे हैं, और ऊपर से कैश के भी दबाव देते हैं, ऊपर से नो ड्यूटी करते हैं, ऊपर से पैसा लेते हैं, ऊपर से हटाते हैं, बहुत तंग कर दिए हैं। 10 साल में हम लोग परेशान होके एक गरीब की तरह हम लोग जॉब करके अपना बच्चा पाल रहे हैं, उसके बाद नौकरी छीन रहे हैं। आप किससे मांग करना चाहते हैं? हम सरकार से मांग करना चाहते हैं, केजरीवाल से, जो केजरीवाल ने शपथ लेके गया है हनुमान जी की शपथ, और हम लोग के रोड पे ला के छोड़ गए हैं। सही बात सर, इससे आगे तो भाई साहब बताएंगे, जो कि भाई साहब को पूरी जानकारी है मेरे से ज्यादा। ये कोरोना वॉरियर्स करके कुछ नाम रखा गया था सर, वॉरियर्स का मतलब तो सर लड़ाकू होते हैं ना, वो मदद करने वाले, ऐसा कुछ होगा शायद, लगता है मेरे को इसका मतलब। सर हमें इन्होंने कोरोना वॉरियर्स भी कहा था, मार्शलों को भी कोरोना वॉरियर्स कहा था, वो वॉरियर्स घर पे बैठे हैं सर, लाखों की जान बचाने वाले, अपनी जान की भीख मांग रहे सर पेट से। ये हमारी सरकार बिल्कुल रोजगार देने में फेल हुई है, आप कोई कितनी बकवास कर रहे जाए टीवी पे, हजारों हजारों लाखों करोड़ रुपए अपने प्रदर्शन में खर्च कर देते हैं, मगर उसमें से 1% हिस्सा मजदूर के लिए नहीं है सर इनके पास। हमने भरे कोरोना में पीपी किट पहन के,
सभी सवारियों को चढ़ाना, सबके आई कार्ड चेक करने, मुंह पे हवा भी आती थी। हमारे में से ड्राइवर मरे, कंडक्टर्स मरे, अंदर का स्टाफ भी मरा, हमारे लिए ना कोई सुविधा हुई। हमने कंपनी को बोला तो हमें एक ही बात बोलती थी, आप ऑफिस आ जाना। ऑफिस आने के बाद ट्रांसफर कर देते थे, जैसे ही हमें कोई हिम्मत बनी बात कहने की तो ट्रांसफर मिलता था सर। इस चीज को मैं देशवासियों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे, किसी से कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ अपना हक मांग रहे। सारे इन लोगों की जो स्थिति है, जो बसें हैं सारे, उसमें इन लोगों की कैमरा लगाने की कैपेसिटी थी, इन लोगों की फ्री करने की कैपेसिटी थी लेडीज को, और हम लोग के पास एक पंखा लगाने की कैपेसिटी नहीं थी। काहे कि हम लोग छोटे मोटे फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, हम लोग पैसा वाले नहीं हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं। अगर पैसा वाले रहते तो हम ये 17,000 की जॉब करने नहीं आते, और 17,000 के जॉब करते हुए भी आज रोड पे लाके खड़ा नहीं कर देते। ये मेरे साथ हो रही है, इतना अत्याचार हो रही है, और इन लोगों ने सारे डिपो में लेडीज फ्री कर रखे हैं। लेडीज को टिकट दे, हम लोग को नौकरी पे रखे, हम लोग के सैलरी देवे, हम लोग के आगे जो भी गाड़ी आएगा यहाँ पे हम लोग के दे, लिखित में दे, बस उससे ज्यादा हमें सर कुछ नहीं चाहिए। एक बात बताओ, लेडीज है, इन्हें फ्री तो टिकट दे दिया मगर रोजगार छीनने लग रहे हैं। आप एक काम करो, इनसे पूछ लो, ये टिकट फ्री चाहते हैं या रोजगार चाहते हैं? हमें सर फ्री टिकट नहीं चाहिए, हमें सर रोजगार चाहिए। हम 10 रुपया दे के टिकट से हम चले जाएंगे, ऑटो रिक्शा से चले जाएंगे, लेकिन हमें रोजगार चाहिए। केजरीवाल साहब एक और काम करते हैं, एक फोन नंबर जारी करते हैं कि सबको सब्सिडी चाहिए हो, क्योंकि बहुत से लोग मना कर देते हैं कि भाई मिस कॉल कर देना, एक ऐसी भी मिस कॉल हो कि हमारी परेशानी सुनी जाए। केजरीवाल साहब प्लीज रिक्वेस्ट है, ऐसा भी नंबर जारी करो। सर हम केजरीवाल से कहना चाहते हैं कि सर आप जहाँ भी हो, जो भी जेल में हो, तिहाड़ जेल में हो, कहीं भी हो, हम आप लोग के साथ हैं, हम आप लोग को जिताएंगे। हमें जॉब दो, हमें नौकरी से मत निकालो, हमें गाड़ी भेजो, हम आपके पीछे हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ, आप ध्यान दो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।